I'm sorry, but हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अल्पेशजोशी एक बार फिर आज आपके बीच में एक वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम होल्ड एंड एनालिसिस करेंगे इस पाम का और जानकारी लेंगे इस हाथ के बारे में कि इनके हाथ में क्या हमें नई चीज़ें जानकारी मिल सकती है अच्छी। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगा कि अपनी सारी चीज़ों को कवर करूँ, पर आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा जिससे आपको हर एक जानकारी बिल्कुल सही तरीके से मिल सके। तो सबसे पहले इस पाम से शुरू करूँगा। तो फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, तो एनालिटिकल पर्सनैलिटी होगी इस पाम के कंपैरिजन में। तो चीज़ों को एनालाइज करेंगे अच्छे से, सोच समझ के, बारीकी परख रखने वाले होंगे चीज़ों की, मतलब जो भी विचार बनाएंगे लाइफ में सोच समझ के, ठीक है। अब दोस्तों, इनका जो पाम भी है यहाँ पर थोड़ा रेक्टेंगुलर में भी आ रहा है, पर थोड़ा चौड़ा भी है। मतलब ये व्यक्ति मेहनती तो रहेंगे ही लाइफ में, बट थोड़ा बोल कर कार्य करने वाले भी होंगे और बैठे बैठे कार्य करने वाले, ठीक है। पर यहाँ पर अगर यहाँ इनकी व्यवहारिका मेरे को क्लियर नहीं दिख रही, अगर ये नीचे की तरफ झुक रही है, या तो किसी से अफेयर रहेगा या अटैचमेंट होगा या लव मैरिज के योग बनेंगे। और वहाँ पर मून की तरफ से भी एक भाग्य रेखा चली है, उसके बाद अनादर लग भी चालू है, बट मैं जब मून रेखा के ऊपर आऊँगा तब मैं उसकी बात करूँगा। ये बता दूँ कि आप जीवन में प्रोग्रेस अच्छा करेंगे लाइफ में अपनी, पर आपको कर्म भी बहुत करने पड़ेंगे लाइफ में। भाग्य रेखा तो अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा, पर यह कि शुक्र पे कुछ जाल सी आकृति बन रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर देखी जाए तो इनकी लाइफ लाइन जो है, इनकी एज में अच्छी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ 80+ आसानी से। पर यहाँ पर जब त्रिशूल बन जाता है ऐसे लाइफ लाइन के ऊपर, तो जीवन में आने वाले संकटों को ये रोकता है। मतलब लाइफ में कोई भी संकट आएगा इस पर्टिकुलर एज में आके, तो वो बड़ा तल सकती है, ठीक है। लाइफ लाइन में से एक अच्छी रेखा निकली है, ये प्रोग्रेस लेकर इधर से कुछ निकलती हुई गई है थोड़ी सी, 23-24 के अप्रॉक्सीमेटली। देन उसके बाद 28 के आसपास या 32 के आसपास एक और लक निकल के गया है। ये बहुत अच्छा, आप जीवन में प्रोग्रेस करने वाले हैं अपने, ठीक है। और पर्वतों की देखी जाए जानकारी तो पर्वत अच्छे हैं, गुरु भी अच्छा है, नॉर्मल सारे पर्वत अच्छे हैं। जैसा कि आपका सवाल था कि मैं क्या करूँगा जीवन में, तो आप अच्छा काम करेंगे, बट मेहनत आप करते रहना अपनी। यहाँ आके आपकी विदेश यात्रा के योग भी रहेंगी लाइफ में, ठीक है। यहाँ से देखूँगा मून की तरफ से एक रेखा, उसके बाद एक और लक चालू हुआ है, तो भाग्य तो आपका बहुत अच्छा है, मनी भी आप पे बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में, आप काम भी बहुत अच्छा करेंगे, जॉब करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने कोशिश की कि मैं आपको आपके आंसरों को उत्तर दे जाऊँ, और मैंने उत्तर देने की कोशिश भी की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।